आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं स्टॉप किडनी डायलिसिस में। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो जाती है जहां दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। कई बार हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन एक दिन ऑल ऑफ अ सडन हमें ये पता चलता है कि हमारी किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ डायलिसिस एक ऑप्शन रह गया है। यहाँ सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी किडनी इस हद तक फेल हो जाती है कि डायलिसिस के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर आप या आपका कोई नजदीकी किडनी फेलियर से सफर कर रहा है, उससे जूझ रहा है और उससे जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हैं रिनाउंड फेमस आयुर्वेदिक किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर पुनीत धवन। सो लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। Welcome, Dr. Puneet. Thank you. We welcome you on Stop Kidney Dialysis. Thank you. तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना किडनी फेलियर से परेशान है, उससे जूझ रहा है और अगर आपको डायलिसिस की सलाह डॉक्टर से मिल चुकी है या फिर आप ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप आयुर्वेद की मदद लेकर जरूर देखें। बस फोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर पुनीत, हु इज द 5th generation इन आयुर्वेदा, अपनी पूरी टीम के साथ आपकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। सो डॉक्टर पुनीत, एज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉप किडनी डायलिसिस, तो पहला सवाल हमारा यही है कि किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? जी अनुजा जी, देखिए किडनी फेलियर जो है वो बड़ी ही साइलेंट चीज होती है और साइलेंट होने की वजह से ही ज्यादा डेंजरस है। स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं आते, इसलिए पता नहीं चल पाता कि किडनी जो है वो डैमेज हो गई है, फेल हो गई है। कई बार यूरिन में एल्ब्यूमिन जा रहा होता है, प्रोटीन जा रहा होता है, तब पेशेंट को पता चलता है कि उसकी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही। कई बार क्या होता है कि टाइफाइड फीवर हुआ, हॉस्पिटल में गए, वहां जाके डायग्नोसिस हुआ कि किडनी जो है वो काम नहीं कर रही। कई बार होता है कि पैरों में सूजन आई, स्वेलिंग आई और फिर जाके डायग्नोसिस बनता है कि किडनी जो है वो फेल है। कई बार ऐसे भी देखने में आया है आजकल ड्यू टू आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी भी वजह से पेन किलर्स का सेवन ज्यादा कर लिया। पेन किलर्स खाने की वजह से, बिकॉज दे आर नेफ्रोटॉक्सिक, वो किडनी को हार्मफुल होते हैं, किडनी जो है उस वजह से डैमेज हो गई। आजकल जो बहुत मेजर पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसके भी आ रहे हैं कि आजकल जो जिम में जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, वो सप्लीमेंट्स में कई बार स्टेरॉइड्स होते हैं, उस स्टेरॉइड्स के सेवन की वजह से किडनी डैमेज हो गई। इस प्रॉपर इस तरीके से पता चलता है, तभी इसका डायग्नोसिस बन पाता है। डॉक्टर पुनीत, अक्सर डॉक्टर्स डायलिसिस की सलाह देते हैं एंड देन इन फ्यूचर ऐसा देखा गया किडनी फेलियर में कि किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात होने लगती है, तो क्या आयुर्वेद के माध्यम से इस चीज का इलाज किया जा सकता है और इन सब ऑप्शन से बचा जा सकता है? जी अनुजा जी, देखिए स्टार्टिंग में जब पेशेंट को पता चलता है उसका क्रिएटिनिन जो होता है वो होता है 1-2 के आसपास, धीरे धीरे उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन लेते रहिए, किडनी का आपका फर्दर डिटोरिएशन नहीं होगा, किडनी आपकी फर्दर खराब नहीं होगी। धीरे धीरे देखा जाता है आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम उनका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिनिन 7-8 के पास आता है, डॉक्टर्स कहते हैं अब हमें डायलिसिस करना पड़ेगा, वो माइंड मेकअप करता है पेशेंट, सब कुछ करता है और डायलिसिस उसका स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद उसको बताया जाता है कि ये डायलिसिस जो है ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसके लिए हमें कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा और उसको ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है, उसे कहा जाता है कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। अब ट्रांसप्लांट भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने उसको करा लिया और उसकी कोई वो है कि लाइफ टाइम वो चलेगा। ट्रांसप्लांट की एवरेज एज जो बताई गई है वो बताई गई है लगभग 5 साल की। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि वो ट्रांसप्लांट आप ओटी से करा के आए और ओटी के बाहर ही वो ट्रांसप्लांट फेल हो गया, आधे घंटा चला ट्रांसप्लांट फेल हो गया, जो आधे घंटे चला या ओटी के बाहर तक चला वो ट्रांसप्लांट भी डॉक्टर्स के लिए ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है क्योंकि वो आधा घंटा चला, वो उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। 100 में से 99% के ट्रांसप्लांट फेल करने ही करते हैं सूनर और लेटर, एवरेज एज 5 साल, 100 में से 1 आध होता है कि जो लाइफ टाइम चल गया। अब ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया, उसके बाद की क्या ऑप्शंस बचती हैं, उसके बाद के लिए क्या बचता है? फिर डॉक्टर्स आपको कहते हैं या तो आप दोबारा ट्रांसप्लांट कराइए या आप दोबारा डायलिसिस कराइए। ट्रांसप्लांट अगर दोबारा कराते हैं तो उस केस में वही सारी फॉर्मेलिटीज, आप डोनर का अरेंजमेंट कीजिए, पैसे का अरेंजमेंट कीजिए और दोबारा फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज कीजिए
और फिर 2 या 3 बार से ज्यादा ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटीज भी नहीं रहती। और अगर आप डायलिसिस दोबारा कराते हैं, यानी कि आप डायलिसिस से शुरू हुए ट्रांसप्लांट पे आए और दोबारा डायलिसिस पे आ गए, तो फिर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी। ये तो कोई स्थायी चिकित्सा हुई नहीं, ये तो एक कुचक्र हो गया आपका, झूला चिकित्सा हो गई। क्रेटनाइन 1 से 2 लेके शुरू हुए, आपका क्रेटनाइन बड़ा, फिर डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट कराया, फिर दोबारा से डायलिसिस हुआ। तो डायलिसिस जो है ये समझना पड़ेगा कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। डायलिसिस से बॉडी को टेम्पररीली मेंटेन कर लिया गया है। डायलिसिस सिर्फ और सिर्फ एक इंजीनियर की बनाई हुई मशीन है जो हमारी किडनी की जगह पे काम कर रही है टेम्पररीली। लेकिन ये मशीन किडनी की तरह इंटेलिजेंट और किडनी की तरह स्मार्ट नहीं होती, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन होता है वो होता है कि प्रोटीन्स को बॉडी में रखना और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना। लेकिन ये मशीन क्या करती है, टॉक्सिन्स के साथ साथ प्रोटीन्स को भी बाहर निकाल देती है। तो ये चीज समझने वाली है, अगर यदि आपकी अपनी किडनी नहीं ठीक हो पा रही तो बाहर से लगी हुई किडनी कैसे ठीक होगी, ट्रांसप्लांटेड किडनी कैसे ठीक होगी। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपकी जो अपनी किडनी है उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR यानी कि किडनी के छानने की क्षमता को बढ़ाया जाए, जिससे अगर आपका डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस किया जाए और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आपको ना पड़े। यदि आपका डायलिसिस हफ्ते में 2 बार चल रहा है तो उसको रिड्यूस किया जाएगा, उसको ग्रेजुअली 15 दिन में 3 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, इस तरीके से उसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा। यानी कि डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को टेपर डाउन किया जाएगा और उसके बाद उसको बंद किया जाएगा। सो डॉक्टर पुनीत कॉलर्स लगातार कॉल कर रहे हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो पहले कॉलर से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्या है किडनी फेलियर को लेकर। हेलो, हेलो, वेलकम टू स्टॉप किडनी डायलिसिस। आपका नाम? मेरा नाम विमल कुमार है। विमल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नालंदा बिहार से बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज डॉक्टर साहब से बात करें। जी विमल जी बताइए। कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर के पास गया था चेकअप करवाने के लिए जी। उसमें मुझे किडनी की कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी, जिसमें मेरा चेकअप में जो रिजल्ट आया वो उसमें क्रिएटिनिन लेवल 7.4 आ गया और किडनी श्रिंक है। श्रिंक है। यूरिया कितना था आपका विमल जी? यूरिया 122 है। एज क्या है विमल जी? और डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस के लिए एडवाइस किया है। डायलिसिस बता दिया। एज क्या है विमल जी आपकी? एज मेरी 38 है। 38, ठीक है। देखिए विमल जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, यदि कोई बीमार हुआ हॉस्पिटल गए तो वह बीमारी ठीक होनी चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि पेशेंट गया हॉस्पिटल, वो वहां का रेगुलर पेशेंट हो गया, हर 3 दिन में चेकअप्स हो रहे हैं, 15 दिन में रूटीन चेकअप्स हो रहे हैं, तो ये तो कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं। अभी यदि आपका भी मैं बात करूं, अगर आपको डायलिसिस बता दिया गया है तो डायलिसिस अगर आप स्टार्ट कराते हैं तो दैट्स अ वेरी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और वो रेगुलर चलता रहेगा, हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार। और अच्छी चीज ये है कि आप समय से ट्रीटमेंट शुरू करा रहे हैं, अभी आपने डायलिसिस शुरू नहीं कराया है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप हमारे यहाँ पर आएंगे, आपका टेस्ट कराया जाएगा, उसके अंदर रीनल स्कैन DTPA, जिसके अंदर देखा जाएगा कि अभी आपका GFR कितना है, अभी आपकी किडनी जो है वो कितना फिल्टर कर रही है। उसके बाद आपका वही टेस्ट रिपीट कराया जाएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अंदर देखा जाएगा कि आपकी किडनी का फिल्टरेशन रेट है वो कैसे कैसे इंप्रूव हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए, और यह आपको भी नजर आएगा और मुझे भी नजर आएगा और पूरी दुनिया देखेगी कैसे कैसे आपका GFR बढ़ रहा है। साथ में आपको कुछ डाइट चार्ट बताया जाएगा, डाइट एडवाइस की जाएगी, वो डाइट आपको रेगुलर फॉलो करनी है, वो आपकी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद एडवाइस की जाएगी, आपका फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सारे लेवल्स देखने के बाद एक पर्सनलाइज डाइट चार्ट आपको दिया जाएगा अलॉन्ग विद द मेडिसिन। आप सब चीजें अगर लग के फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स, आपको मेडिकल रिपोर्ट्स में भी नजर आएगी और साथ में फिजिकल लेवल पर भी आपको इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगी। जी डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है दोस्तों, अगर आप या आपका कोई नजदीकी किडनी फेलियर से परेशान है और इसके कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है तो इसको ज्यादा मत भरने दीजिए और ज्यादा परेशान मत होइए। बस एक स्टेप लेना है, फोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ताकि आयुर्वेद के माध्यम से आप डॉक्टर पुनीत से जुड़ पाए और सही सलाह ले पाए। डॉक्टर पुनीत, अभी आपने जस्ट बात की थी हमारे कॉलर से किडनी श्रिंक के बारे में, तो किडनी श्रिंक और किडनी फेलियर में क्या रिलेशन होता है? जी अनुजा जी, देखिए किडनी अगर श्रिंक हो गई है और किडनी फेल हो गई है,
इन दोनों ही केसेस में हमारे को क्या करना है, हमारे को GFR को बढ़ाना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना है, किडनी के काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। यदि किडनी श्रिंक हो गई है इसका यह मतलब नहीं है कि किडनी फेल हो गई। इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये जरूर है कि अगर किडनी श्रिंक हो गई है तो उसका साइज छोटा हो गया है, तो जहां पे उसे 1 लीटर छानना है वो आधा लीटर छानेगी, लेकिन वो फिर भी इट्स गोइंग टू स्टिल वर्क, काम वो फिर भी करेगी। हमारे पास ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी किडनी का साइज जो है वह स्मॉल है, लेकिन उनका यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वो नॉर्मल है। और ऐसे भी कितने पेशेंट्स हैं जिनका किडनी का साइज नॉर्मल है लेकिन यूरिया, क्रिएटिनिन और ये सब चीजें जो है वो इम्बैलेंस्ड है। इन दोनों चीजों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन ये जरूर है बच्चे की जो किडनी होती है वो भी तो छोटी होती है, वो कैसे फंक्शन करती है। साइज स्मॉल है, कम फिल्टर करेगी, लेकिन फिल्टरेशन जो रहेगा उसका, हमारे को किडनी की जो जाली है यानी कि जो छन्नी है, जो GFR है, उसको बढ़ाना है हमारे को दोनों ही केसेस में। डॉक्टर पुनीत, इतने टाइम से जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनका आप इतना सक्सेसफुली आयुर्वेद के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपके सामने कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे, सो आई वांट कि आप हमारी व्यूअर्स के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करें। जी अनुजा जी, मैं आज यहाँ पे माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि किस किस तरीके से रिपोर्ट्स के अंदर चेंजेस विजिबल होते हैं। और मैं आपको ये जरूर बता दूं, जितनी भी मैं रिपोर्ट्स दिखाऊंगा वो सारी डिफरेंट लैब्स की होंगी और अलग अलग जगहों की होंगी, पूरे इंडिया की होंगी और पूरे विश्व की होंगी, अलग अलग जगहों की होंगी। देखिए, ये एक रिपोर्ट है, ये एक SRL लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। इसमें जब पेशेंट हमारे पास आया तो इनका जो क्रिएटिनिन था वो था 4.4 वॉज द क्रिएटिनिन व्हेन द पेशेंट केम टू अस। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया और इनका जो क्रिएटिनिन हो गया वो घटके हो गया 3.3। अगेन इन्होंने SRL से टेस्ट कराया, 3.3 इनका क्रिएटिनिन घटके हो गया। फिर इन्होंने रिपीट कराया, आफ्टर 3 to 4 months इनका क्रिएटिनिन हो गया घटके 2.7। यानी कि जो कहा जाता है कि इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, किडनी फेलियर इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, इनकी डिजीज का प्रोग्रेस भी नहीं हुआ और ये नीचे धीरे धीरे करके ये कम भी हुआ। और कुछ रिपोर्ट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा मैं, GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की रिपोर्ट। इसके अंदर जब पेशेंट हमारे पास आया तो इनका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था वो था 3.2 ml पर मिनट का। इनकी किडनी 1 मिनट के अंदर 3.2 ml ऑफ लिक्विड छान रही थी। इनका रिपोर्ट दोबारा कराया गया, मई में ये रिपोर्ट है, फिर इनका रिपोर्ट कराया गया है 8th month में, इनका जो GFR है वो आ गया 10.5, यानी कि डबल से भी ज्यादा की ग्रोथ, 200% से भी ज्यादा इनकी किडनी का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव किया है और ये GFR लेवल्स में इम्प्रूव किया है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के लेवल में इम्प्रूव किया गया है। ये जो GFR के लेवल्स हैं, ये हम कई बार ऐसा होता है कि जो MDRD कैलकुलेटर है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है उससे क्रिएटिनिन से GFR निकाल लिया जाता है, लेकिन वो सरासर एक फेल कैलकुलेटर है। जो एग्जैक्ट GFR होता है वो हमारे को रीनल स्कैन DTPA से ही पता चलता है और उसी से ही हमारे को रिजल्ट्स सामने नजर आते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर एक पेशेंट को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो बाकियों को क्यों नहीं आ सकती। जब एक को इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो सब चीजें लग के फॉलो कर सकते हैं, तो बाकियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जरूर संभव है, आवश्यकता है तो थोड़ी सी विल पावर की, मेडिसिन स्टार्ट करने की और डाइट को प्रॉपर फॉलो करने की। That's absolutely great. So, Dr. Puneet, हमारे next caller शायद इसी उम्मीद में आपसे बात करना चाह रहे हैं, that he also comes out of this situation. Hello. Hello. Welcome to Stop Kidney Dialysis. आपका नाम? मेरा नाम कनिका सिंह है, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप डॉक्टर पुनीत धवन जी से बात करें। जी कनिका जी, बताएं। मेरी एल्डर सिस्टर 1 year से डायलिसिस से थी। ओके। बहुत ही लो यूरिन आउटपुट था उनका, क्रिएटिनिन भी बहुत हाई था। अच्छा। उन्हें काफी स्वेलिंग भी थी। अच्छा। और वो अपना काम भी अनेबल टू डू हर ओन वर्क खुद से, तो हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। और ऑलमोस्ट 2 times a week हमें उन्हें डायलिसिस करने ले जाना पड़ता था। अच्छा, मतलब अभी डायलिसिस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अभी हम 6 months से कर्मा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी कैसी है वो? वो बिल्कुल ठीक है, 15-20 दिन से तो डायलिसिस की कोई नीड नहीं पड़ी है। अच्छा। और वो बिल्कुल रिकवर कर अभी रहे हैं। क्रिएटिनिन लेवल्स कितने हैं उनके? उनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत लो हो चुका है, अब 3.2 पे आ चुका है, इट्स वेरी नॉर्मल। ओके।
हाँ जी ठीक है। और फिजिकली उनको किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, ब्रेथलेस में सांस लेने में कोई दिक्कत? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो डायलिसिस जैसी भयंकर चीज से बच गए हैं और इसको आपने इससे निजात पा ली है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि डायलिसिस को किस तरीके से स्टॉप किया जाता है। जैसे अभी पेशेंट आया, उनका डायलिसिस सप्ताह में दो बार चल रहा था, ट्वाइस अ वीक डायलिसिस चल रहा था, इसी डायलिसिस को हमने टेस्ट करा के माध्यम से ग्रेजुअली रिड्यूस किया। जो डायलिसिस का प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि 25 ml/min यदि आपकी किडनी छान रही है तो डायलिसिस की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा कि 15 ml/min यदि 15 ml/min भी किडनी फिल्टर कर रही है तब भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे जैसे GFR बढ़ेगा डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया जाएगा, धीरे धीरे डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को GFR के अकॉर्डिंग रिड्यूस करके उसे टेपर डाउन करके फिर बंद किया। That's absolutely great. और ये जानकर हमको कनिका जी बहुत अच्छा लगा कि now things are normal and your sister are leading a healthy life. Thank you so much for calling. Thank you. तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि डायलिसिस से आपको परेशान ना होना पड़े और किडनी फेलियर्स के कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहें, तो बस फोन उठाना है और इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट द 5th generation इन आयुर्वेदा डॉक्टर पुनीत धवन। सो डॉक्टर अभी आपने जैसा बताया अबाउट डायलिसिस, तो कौन सी स्टेज पे हम डायलिसिस स्टॉप कर सकते हैं? जी अनुजा जी वही मैंने अभी बताया कि जैसे डायलिसिस है, डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप डायलिसिस करा रहे हो तो सिर्फ बॉडी मेंटेन हो रही है। अब इस मेंटेनेंस के टाइम पे ही आपको ट्रीटमेंट देखना है, ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है ताकि डायलिसिस को रिड्यूस किया जाए। और जैसे ही आपका GFR 15 ml/min के पार जाए, डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करके उसको स्टॉप किया जाए। ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, ट्रीटमेंट के नाम पे क्या दिया जा रहा है, आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, आयरन कैल्शियम की मेडिसिन या फिर डायूरेटिक लेसिक्स और डाइटर दी जाती है, यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें से कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो किडनी के फंक्शन को बढ़ाए, जो किडनी की दवा हो, ऐसी कोई भी दवा नहीं। ये दवा तो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट भी दे देगा बीपी की दवाइयां, तो या एक जनरल फिजिशियन भी दे देगा, तो फिर नेफ्रोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ही क्या है, सोचने वाली बात है। So Dr. Puneet, I would like to thank you for today on behalf of all our viewers. और I'm sure कि आपने जो हमको ये valuable information दी है regarding kidney failure, regarding dialysis, वो सब लोगों के लिए काफी काफी ज्यादा मायने रखती है। So thanks a lot for that. Thank you अनिजा जी, आपको भी। Thank you. मैम जब आए थे क्या दिक्कत हुई थी आपको? मेरे को बहुत परेशानी थी डॉक्टर साहब। अच्छा। और अब मैं आपकी दवाई से बहुत अच्छी हो गई हूँ और 2 महीने मैंने आपका इलाज किया है, परहेज किया है, दवाई कंटिन्यू खाई है। अब मैं पहले से बहुत बेटर हूँ, हर चीज मुझे हजम हो रही है, मैं घर का काम कर रही हूँ, बहुत अच्छी फील कर रही हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट। जब आप आए थे तब आप डायलिसिस करा रहे? हाँ जी हाँ जी, हफ्ते में 2 बार जा रही थी, फिर हफ्ते में 1 बार, अब बिल्कुल खत्म हो डायलिसिस की? हाँ जी फिट है बिल्कुल, बिल्कुल स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं है, डाइट वाइट सब अच्छा हजम हो रहा है, खाना वाना सब खा रही हूँ, सब अच्छा काम वाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। कहाँ से आप? हाँ पुरानी दिल्ली से आई हूँ मैं, नवल्टी सिनेमा से। अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205001 4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इट्स टाइम टू से goodbye now। हम फिर मिलेंगे स्टॉप किडनी डायलिसिस के अगले एपिसोड में, जहां फिर से एक बार चर्चा होगी किडनी फेलियर के अन्य पहलुओं के बारे में। तो हमसे जुड़े रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।